2,20,000 रुपए के करीब टायर और अलॉय व्हील आते हैं इस टाइप। अभी लाइटिंग के अंदर भी देख सकते हो आप कैसा लुक आ रहा है इसका, बहुत ही जबरदस्त, बहुत प्यारा लुक है इसका भाई। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज राहुल जैन फ्रॉम जैन मोटर जीप्स। दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो भाई एक चेरी मेटालिक कलर के अंदर एक्सट्रीम मॉडल बहुत सारे फीचर्स के साथ गाड़ी रेडी हो चुका है और जैसे जैसे फीचर एक्सप्लोर करेंगे आपको मजा आएगा वीडियो देखने में। सो वीडियो एंड तक जरूर देखें, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा ही आपको। और भाई जो नए फ्रेंड जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबा दें, फिर ही आपको ऐसी गाड़ियों का वीडियो देखने को मिलेगा। और भाई फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि वहां पे लाइव स्ट्रीम हमारी गाड़ियों के रील्स और नए नए फोटोग्राफ्स के अपडेट आते ही रहते हैं, तो वहां पे जरूर फॉलो करें। तो बात करते हैं गाड़ी की ओनरशिप डिटेल फीचर्स के बारे में। तो भाई ओनरशिप डिटेल ऐसी है गाड़ी की कि मैं बता नहीं सकता क्योंकि कस्टमर ने मना किया है, लेकिन सिटी स्टेट के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये गाड़ी हमने बना के दिया है यूएसए के लिए, तो वर्जीनिया यूएसए के अंदर ये गाड़ी जा रहा है। तो हमारे पंजाबी फ्रेंड हैं तो उनके लिए ये गाड़ी बनाया है। तो पहले उन्होंने भाई, हमने जैसे ही रील्स डाली तो उन्होंने बोला कि सर राहुल भाई आप वीडियो क्यों डाल रहे हो, रील्स क्यों डाल रहे हो, प्लीज डिलीट कर दो, तो वीडियो भी मत बनाना। देखो फ्रेंड्स ये चीज होती है कि ये चीज अगर दिखाएंगे तो ही कुछ पाएंगे, बाकी ये तो भाई स्पेशल गाड़ी है, कोई ब्लैक गाड़ी या नॉर्मल बेस मॉडल गाड़ी होता तो फिर हम मुझे चलो कोई बात नहीं, कस्टमर ने बोला है नहीं दिखाने को तो हम मना कर देते वीडियो बनाने के लिए, चलो कोई बात नहीं नहीं बनाएंगे। लेकिन भाई इतना बढ़िया मॉडल है तो आपको दिखाए बिना कैसे रह सकते हैं, तो इसलिए मैंने कस्टमर को बोला कि आपका नाम पता ये चीज हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपकी गाड़ी का वीडियो तो भाई हम बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स कुछ अलग चीजें देखना चाहते हैं तो उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो बहुत सारे फीचर्स के साथ जो हमारे कस्टमर ने रेडी करवाया है, सबसे पहले बात करें इस गाड़ी के बम्पर के बारे में। तो भाई बहुत सारी लाइटिंग की है इसके अंदर, तो इसका जो व्यू है ना जलने का, ये देखा कितना जबरदस्त आ रहा है। तो व्यू जलने के बाद भाई अलग ही लेवल, एक यानी कि भरी भरी गाड़ी लगती है। तो नीचे पुलिस लाइट वगैरह लगा दी है, बम्पर में ये एलईडी लाइट्स लगा दी है, ऊपर एलईडी बार लगा दी है, लाइटिंग का खास ध्यान रखा गया है जो बाहर की गाड़ी है। बाकी भाई जब यूएसए का नाम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में भी चलने लग जाता है कि भाई एक कमी भी नहीं रहनी चाहिए कि कस्टमर वहां पे रिपेयर या कोई चीज नहीं करवा सके। इसीलिए जो यूएसए या बाहर या कनाडा वगैरह की गाड़ियां होती हैं हम उसके ऊपर टाइम लगाते हैं। हालांकि हमारे कस्टमर नाराज हो गए हमसे कि राहुल भाई 3 महीने 45 दिन का टाइम तो आप लेते हो, चलो माना 2 महीने में दे दो गाड़ी, लेकिन 5 महीने लगा दिया आपने। बाहर की गाड़ी मैं भाई 5 महीने में ही रेडी करता हूँ, 4-5 महीने मेरे को लग ही जाते हैं, क्योंकि एक तो पेट्रोल की गाड़ी होती है स्पेशली, दूसरी बात ये चीज़ होती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, फिर ऊपर से हर चीज़ के बारे में प्रॉपर चेकअप करना पड़ता है एक नट नट का। तो ऐसा होता है ना बाहर का कस्टम जो थोड़ा सा यानी कि हार्ड है, तो अगर थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी एक देखने को मिल गया तो भाई फिर वो वहाँ से गाड़ी रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसलिए स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। तो आगे बम्पर का मैंने आपको बता दिया, ग्रिल जो है ग्लैडिएटर और ऊपर से इसके ऊपर चेक की फिनिशिंग दे दी है। और दोस्तों बात करें तो इसके फेंडर्स भी जो है ना आयरन के बनाए हैं, हम स्पेशली दूसरे जो होते हैं ना फाइबर के वो फेंडर लगाते हैं, लेकिन बाहर की गाड़ी है अगर बाई चांस टूट गया तो फेंडर भेजना बहुत मुश्किल है, तो हमने फिर पूरे फेंडर जो है आयरन का लगा दिया है। और ऊपर से हॉर्न जो है ये भी प्रेशर हॉर्न लगाए हैं, तो अब हालांकि इसको चेंज करना है क्योंकि हमारे कस्टमर बोले जो अपन ने बनाया था ना गाड़ी एक पीछे देखा था अपने वो 90G का, उसमें सिंगल हॉर्न लगा था, तो बोले कि वैसा ही हॉर्न लगाना है। और टायर तो भाई जम्बो टायर, पहली बार हमने इतने बड़े टायर लगाए हैं, 22 इंची अलॉय व्हील इसके अंदर फिटिंग कर दिया। और अलॉय व्हील की खासियत क्या है ना दोस्तों, जैसे इसके अंदर लगाना है तो इसी साइज का आएगा, अगर थार के अंदर लगाना है तो थार के होल है, सारे होल इस अंदर टायर के अंदर रिम के अंदर अलॉय व्हील के अंदर दिए गए हैं ताकि इजीली आप किसी के ऊपर लगा सकते हो। और टायर भाई इतना चौड़ा और अलॉय व्हील देखो यार क्या बवाल ही है, बहुत ही शानदार लुक आ रहा है। और प्राइस देख के आप बोलोगे कि भाई इतना प्राइस, 2,20,000 रुपए के करीब टायर और अलॉय व्हील आते हैं इस टाइप के, और फिफ्थ टायर भाई इन्होंने और लगवा लिया है, तो इतने फीचर्स लगवाए हैं पूछो मत।
बात करें साइड व्यू की, तो साइड पे विंडो लगा दी है, जो छोटी स्मॉल विंडो होती है, ऊपर वुडन पॉलिश कर दी है मैट फिनिश के अंदर, ज़्यादा उन्होंने ग्लॉसी नहीं करवाई है। और इंटीरियर तो भाई इसका लाजवाब, क्या बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और कंसोलिंग देखें आप, पूरा ब्लैक एंड रेड दिया गया है। और भाई एसी का कंडेंसर क्या, एलसीडी स्क्रीन क्या, और सीटिंग वर्क क्या, मैटिंग क्या, सब कुछ एक क्लास भाई, मजा आ गया। पूरा रीज से काम किया है जितना हो सका। तो भाई पीछे का व्यू देखें तो पीछे लगाया है रिवॉल्विंग टायर, तो रिवॉल्विंग टायर उन्होंने लगवाया है। मैं तो भाई उनको बोला था कि आप जो ये इतना खर्चा करने की जरूरत है, इतना बड़ा टायर मत लगवाओ, जरूरत तो पड़ती नहीं, क्योंकि तो बहुत कॉस्टली टायर है तो क्या फ़ायदा। लेकिन बजट का कोई चक्कर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई आप बनाओ, बेस्ट से बेस्ट बनाओ जो चीज़ आप बना सकते हो। और बात करें तो जेरी कैन की, देखा ऐसा कुछ आपने पहले कभी हमारी गाड़ियों में? तो वैसे तो ये डीजल के लिए होता है, लेकिन ये बना दिया भाई एक केन वगैरह रखने के लिए। अभी लाइटिंग के अंदर भी देख सकते हो आप कैसा लुक आ रहा है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारा लुक है इसका भाई। और कस्टमर जब बोले ना कि भाई पैसे की परवाह ही नहीं है हमको, बेस्ट चीज़ होनी चाहिए, तो फिर भाई अपने आप को रोक नहीं सकते कुछ ना कुछ अलग करने को और कुछ ना कुछ बेस्ट करने को। मेरे पास मोस्टली कस्टमर ही ऐसे आते हैं भाई कि जिन्होंने गाड़ी मेरे से लेना है ना, तो वो ये नहीं देखते राहुल भाई बजट क्या पड़ेगा, ये चीज़ लगवानी है कितने की पड़ेगी, 2000 की पड़ेगी, 1000 की पड़ेगी। मेरे पास ऐसे कस्टमर आते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि राहुल के पास, जैन मोटर जीप के पास ऑर्डर करने वाले हैं ना, तो बजट नहीं देखेंगे, जो चीज़ उनको पसंद हुई, जो चीज़ उन्होंने लगानी हुई, जो चीज़ बतानी हुई तो बता देंगे, वैसा ही लगवाएंगे, बजट का कोई इशू नहीं है। तो वैसे कस्टमर ही लगभग हमारे पास आते हैं। तो ये चीज़ें आपने देख ली। बाकी मैं भाई सस्पेंशन सिस्टम भी लगाने वाला था, लेकिन मेरे को थोड़ा रूल का पता नहीं था वहाँ पे, मेरे को ऐसा था पाटा सिस्टम के अंदर ही वो अलाउ करते हैं, इसलिए मैंने जो डिफेंशियल है वो भी हैवी ग्रेड के लगाए हैं। बट अगर मेरे को पता होता, क्योंकि बाद में पता चला एक्सपोर्टर से बात करने के बाद कि सस्पेंशन सिस्टम भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सस्पेंशन सिस्टम अगर लगाता तो थोड़े टायर और बाहर चले जाते, और मेरे को ऐसा था कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, तो मैंने दूसरा पाटा सिस्टम ही लगाया है। तो वो कमी मेरे को लग रही है बस, एक और कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर। तो आपको इंजन भी दिखा दूं, क्योंकि महिंद्रा का तो इंजन आपने देखा हुआ है, पेट्रोल का इंजन तो भाई इसका लुक क्या है ना, फिर आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए आप, हर चीज़ के अंदर आपको क्वालिटी मिलेगी भाई, पूरा ज़बरदस्त इंजन है। तो आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ, एक बार स्टार्ट करूँगा आप बोलोगे भाई स्टार्ट है ये इंजन, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही बंदी पड़ी है गाड़ी। तो ये स्टार्ट होने के बाद इसका अलग ही लुक आता है, ये देखें बिल्कुल ही नॉइस फ्री इंजन है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, बाकी चलाने में भी मज़ा अलग ही है। हालांकि इतने बड़े टायर हैं उसकी वजह से थोड़ा सा लोड तो लेता है गाड़ी, लेकिन इतना भी नहीं लेता कि कोई दिक्कत आए, बाकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रनिंग स्पीड है इस गाड़ी की। तो ये चीज़ हो गई, बाकी भाई सारे मैंने जो फीचर्स है एक्सप्लोर कर दिए, बाकी कुछ रह गए तो भाई सॉरी उसके लिए, क्योंकि फीचर्स ही इतने ज़्यादा लगे हैं, क्या उन कौन से फीचर्स आपको बताऊँ। और लुक आपने ऑलमोस्ट देख ही लिया, बेस्ट लुक है, विंचेस्टर वगैरह तो मैंने बात ही नहीं, क्योंकि इतनी बात करूंगा, इतने फीचर्स एक्सप्लोर करूंगा शायद वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, 30 मिनट का बन जाए। तो वीडियो जो है आज यहीं तक रखेंगे, और आगे भी ऐसी शानदार गाड़ियां आपको दिखाएंगे हमारे चैनल के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और भाई हमारे डेलिंग आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जिंदा, वंदे मातरम।